मॉर्निंग दोस्तों। अभी आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपना रिटर्न जर्नी, और मैं आपको व्यू एक दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं रावंगला में हूँ। रावंगला से मैं अभी निकलने वाला हूँ सिलीगुड़ी की तरफ थोड़ी देर में। ये है बुद्धा पार्क। इतना प्यारा है ना, व्यू इतना मस्त है इसका। अभी फॉग है थोड़ा सा, बट फॉग जाने से पहले मैं फोटो वगैरह सब ले लेता हूँ। इट्स रियली अमेजिंग। मतलब आप रावंगला आ रहे हैं एंड बुद्धा पार्क नहीं देखा तो यू हैव नॉट सीन एनीथिंग, ऐसा भी बोलते हैं लोग। रावंगला के ये बुद्धा पार्क की खूबसूरती को शब्दों में बयान करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। वहां पे जाके आपको पता चलता है नेचर कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। सिक्किम आते हो, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, यदि आपने नहीं देखा तो यू आर मिसिंग आउट सो मेनी चीजें। उसमें से ये एक है रावंगला का बुद्धा पार्क। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है। पार्क अभी खुलेगा 9 बजे, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा है। मतलब ये आपको बुद्धा के धर्म व्हील्स इतने सारे लंबे लाइन में लगे हुए हैं सारे के सारे। ये गार्डन इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है सबने। प्लस रोड भी काफी वाइड है, मतलब अभी खुलेगा। और फॉग तो है ही, जैसे आपको पता है मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज में भी फॉग बहुत ज्यादा है हर जगह। ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सीजन में आप आ रहे हैं। और सबका कहना है कि अक्टूबर मैं सबसे ज्यादा भीड़ वहां पे रहती है, तो उसी हिसाब से आपका प्लानिंग भी वहां पे होना चाहिए कि इसको मिस आउट वहां पे नहीं करना है। ये मैं 9 बजे खुलेगा तो मैं जाऊंगा, विजिट करूंगा एंड आई विल बी मूविंग अहेड। रावंगला पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हैं। आप नामची से भी आ सकते हैं या फिर गैंगटोक जाके वहां से भी बुद्धा पार्क रावंगला के लिए रेंट पे या हायर करके आप कार या SUV गाड़ी हो गई या कोई भी तरीके से आ सकते हैं। इवन टूरिस्ट के लिए सिक्किम गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे फैसिलिटी स्टार्ट किया है। और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही कंप्लीट माहौल रहता है। आपको टाइम निकाल के यहाँ पे आना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरे पार्क को घूमने के लिए टाइम वहाँ पे लगता है। इसको एंजॉय करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा। और अंदर की कारीगरी देखने के लिए, अंदर जिस तरीके से पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, उनको देखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। ये दोस्तों, मैं अभी जस्ट ये मंदिर के अंदर जाके आया हूँ। सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड। तो मैं जो भी जगह जा रहा हूँ यही बोल रहा हूँ, बट बिलीव मी गाइस, दिस वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। रीजन बीइंग, अंदर मतलब ऑलमोस्ट थाउजेंड्स भी कम है, लाइक इतने सारे बुद्धा जी के फोटोज, पेंटिंग एज वेल एज उनकी मूर्तियां वहां पे रखी हुई है, हजारों के ऊपर वहां पे रखी हुई है। एज वेल एज उनका जो प्रॉपर लाइफ है, 12th डीड में 12 या 13 डीड्स में डिवाइड करके वो स्टोरीज के फॉर्म में पेंटिंग एंड वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे उनका बर्थ कैसे हुआ था, फ्रॉम ए वाइट एलिफेंट टू मदर वॉम, प्लस वो कैसे आसमान से मतलब स्वर्ग से आए थे, जहाँ पे उन्होंने बर्थ लिया था, फिर उनका ग्रोथ हुआ था, जैसे उन्होंने पढ़ाई की थी, जैसे ही वॉज जो सिद्धार्थ थे, तो उनका नाम भी ये क्यों दिया गया था, बिकॉज कहा जाता है उसमें जो स्टोरी मेंशन था कि जब सिद्धार्थ का बर्थ हुआ था उस एरिया में जहाँ पे वो पैदा हुए थे, वहाँ पे सब जगह एकदम सब कुछ ग्रीन हो गया था, एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीवन वॉज हैप्पी, तो उनका नाम उस तरीके से दिया हुआ था। सिद्धार्थ का मीनिंग जो उन्होंने संस्कृत में लिखा था, एवरीवन हु मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, देन हाउ ही स्टार्टेड इज, मतलब उनका जो जर्नी एनलाइनमेंट कैसे उन्होंने शुरुआत की थी उसके बारे में प्रॉपर लिखा हुआ था, कैसे उनको बीच में ऑब्स्टेकल्स आए, जहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्शंस आए उसको कैसे ओवरकम किया, बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है। सो यदि बुद्धा जी के बारे में जानना तो ये बहुत सही जगह है। अंदर इतने प्यारे पेंटिंग्स है, प्लस उनके गुरुज जो अलग अलग गुरु हैं ये बुद्धिज्म धर्म के, उनके फोटोज भी है, पेंटिंग्स भी है, बहुत सही है। मतलब सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग। इधर जब आप अंदर जाके ना टाइम आप स्पेंड करिए, उसको पढ़िए, एक एक पेंटिंग को आप गौर से देखेंगे ना, बहुत डिटेल में सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। गाइज, इवन ये जो व्हील्स हैं, जो धर्म व्हील्स हैं, इनका पर्पस क्या है, फिर जब बुद्धा ने इस जो धर्म व्हील को 3 बार वहां पे घुमाया था, तो तीनों रोटेशन का मीनिंग भी अंदर वहां पे मेंशनड है। काफी टाइम हम लोग जब आते हैं हमको इसका मीनिंग नहीं पता रहता, हम लोग बस घुमाते हैं, फोटो निकालते चले जाते हैं, बट वो अंदर पेंटिंग और इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये व्हील्स का पर्पस क्या है, क्यों यहाँ पे हर जगह ये व्हील्स वगैरह बनाए गए थे। लिटरली आप जब आएंगे ना इधर, मतलब 50 रुपी एंट्री दे के दिन भर यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन क्लिक एक्चुअली लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स, मैंने बहुत सारे फोटोज ऑलरेडी लिए।
एंड यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज जैसा वेदर है आप ब्रेकफास्ट करके यदि आते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ के रिलैक्स व्यू में, प्लस यहाँ पे म्यूजिक भी बज रहा है वो ओम माने पद में हम, यदि आपको सुनाई दे रहा है आई ट्राई टू लिसन। सो ये वाला म्यूजिक भी वहां पे बज रहा है, सो मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है चारों तरफ से, सराउंडेड विथ दिस हिल्स, मतलब हिल नहीं माउंटेन ही है, पेड़ है चारों तरफ, पूरा क्लीन एनवायरनमेंट है, नो पोल्यूशन। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, ये जगह की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना, वीडियो में कैप्चर करना एक्चुअली इम्पॉसिबल। यहाँ पे जब जाएंगे, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, आप इस जगह की रियलिटी, इस जगह की खूबसूरती को खुद आप महसूस कर पाएंगे, इस जगह की हवा को, इस जगह के मौसम को आप जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना, तब आपको ये जर्नी कम्प्लीटली हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए यादगार हो जाएगी।